हेलो मॉमीज, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायपर के बारे में, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, बहुत ही बिजी शेड्यूल में, या फिर कभी रेनी सीजन है, या जो लोग सिटी में रह रहे हैं उनके घर में फ्लैट में इतने कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है, तो हम लोगों को डायपर यूज़ करना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। तो उस टाइम में क्या रहता है, अगर आप ज़्यादा डायपर यूज़ करते हैं तो सबको पता होगा कि डायपर रैश होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करें जिससे डायपर रैश ना हो, और डायपर रैश होने के क्या क्या कॉजेज रहते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि डायपर कम से कम ही यूज़ करें, बट इन केस जब भी आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले तो है क्या क्या कारण हैं जिसके वजह से डायपर रैश हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है, क्योंकि स्पेशली सबसे पहले हम न्यूबॉर्न की बात करते हैं, तो न्यूबॉर्न में क्या रहता है, उनकी स्किन जो रहता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, और सॉफ्ट सी स्किन रहती है, तो वो ज़रा से भी डायपर जो है उतना सॉफ्ट नहीं रहेगा उस बच्चे के लिए, तो उससे इरिटेशन होकर उनको रैशेस होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि न्यूबॉर्न्स में तो डायपर ना ही यूज़ करें, जो कॉटन क्लॉथ आता है उसकी नैपी बना के, या आजकल बाज़ार में भी सॉफ्ट हॉजरी के कपड़े के नैपीज आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल क्लॉथ डायपर आने शुरू हो गए हैं, आप वो यूज़ करके देख सकते हैं। बट इन केस आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप ये सारे पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। देन नंबर टू है कि हम जो है डायपर आपको जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, 2 to 4 आवर्स मैक्सिमम। जैसे टीवी में दिखाते हैं कि 12 घंटे तक आप ये डायपर पहना सकते हैं, वैसा नहीं है। यूजुअली जब बच्चे ने एक दो बार शुशु कर ली है या पॉटी कर ली है तो आपको इमिडिएटली ही चेंज करना है, और अदरवाइज कोशिश करके आप 2 से 4 घंटे में चेंज करते रहें, या न्यूबॉर्न को है जब आप फीड देते हैं तो उसके बाद आपको याद रहेगा कि आप चेंज कर दें। यूजुअली न्यूबॉर्न्स जो रहता है फीड के बाद शुशु पॉटी करते हैं, तब आप चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा और उसका रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे कुछ डायपर्स हैं उसकी आप हमेशा इन्वेस्ट करिए अच्छी क्वालिटी के डायपर में, और कुछ डायपर हो सकता है कि हो सकता है एक बच्चे को सूट करे, एक बच्चे को स्किन को सूट ना करे, तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे के स्किन को कौन सा डायपर ओके है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अवॉइड करिए जिसमें खुशबू है, ऐसे डायपर्स यूज़ ना करें। या फिर क्या है, आपने जो है बच्चे की कोई डाइट चेंज की है, यूजुअली 6 मंथ से अब क्या है, हम जब वीनिंग शुरू करते हैं तो जैसे जैसे बच्चे को नया फूड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे की जो पॉटी की कंसिस्टेंसी है, एसिडिटी है, यूरिन की, वो सब चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से भी डायपर रैश होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, या फिर बच्चे को उस फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि कभी किसी फूड चेंज करने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे डायपर रैश हुआ था, और उसके अलावा क्या हो सकता है, बच्चे को ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है जो कि काफ़ी कॉमन रहता है स्पेशली डायपर एरिया में, या फिर आप देख सकते हैं अगर रैशेस हो रहे हैं उसके साथ ही बच्चे के मुंह में भी रैश हो गए हैं वाइट वाइट कलर के आप देख सकते हैं, तो उस केस में तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है, उस केस में कोई होम रेमेडीज़ या ये सब मत ट्राई। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें क्या रहेगा, यूजुअली जो रहता है नॉर्मल डायपर रैश 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो 3 दिन से ज़्यादा रहेगा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाल कलर की स्किन हो गई है, और वहाँ पे अल्सर जैसा, या फिर हो सकता है पस जैसा पुस्टुल्स बन गए हैं, जो पिंपल्स होते हैं उसकी तरह हो गया है, जिसको हम सैटेलाइट लीजन्स भी बोलते हैं, और मुंह में भी देख सकते हैं आप कुछ ऐसे हो रहा है, और काफ़ी सीवियर केसेस में जो रहता है अल्सरेशन हो जाता है, या फिर स्किन जो है हटने लग जाती है, तो उन सारे केसेस में तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। या फिर आजकल जो है वाइप्स हम यूज़ करते हैं, तो जो वाइप्स हैं वो आप पानी वाले वाइप्स यूज़ करिए, केमिकल्स वाले वाइप्स यूज़ मत करिए, या फिर कोशिश करिए कि आप एक कॉटन ले सकते हैं या कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, बेस्ट इज कॉटन, आप यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसको पानी से अच्छे से भिगा के फिर साफ़ कर दीजिए वो एरिया, यूजुअली न्यूबॉर्न्स वगैरह में। और उसके अलावा क्या है, बच्चे को डायरिया हो गया है तो डायरिया में बहुत ही ज़्यादा रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, तो उस टाइम अवॉइड करिए कि
डायपर्स यूज ना करें, या फिर बच्चा जो है एंटीबायोटिक पर है उस वक्त भी बच्चे को ये जो है डायपर रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जैसे फूड एलर्जी की वजह से या डायरिया की वजह से हुआ है रैशेस, तो उन सब केसेस में आप साथ में प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं और रैश की क्रीम भी लगा सकते हैं। बट अगर ऑब्वियसली अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि डायपर रैश ना हो नॉर्मली कंडीशंस में, तो उसमें सबसे पहले है कि आप एक तो सबसे पहले फ्रिक्वेंटली डायपर आपको चेंज करते रहना है 2 से 4 घंटे में। आप देखिए कि अगर लगता है बच्चे ने शुशु कर ली है एक दो बार, अगर वो थोड़ा सा भी गीला भारी सा लग रहा है तो फिर आप उसको चेंज कर दीजिए। और उसके अलावा बच्चे ने जो है पॉटी कर ली है तो आप उसको तुरंत चेंज करना है। और जब भी आप डायपर चेंज करते हैं तो उसके बाद हमेशा बच्चे को फ्री टाइम ज़रूर दीजिए। 15-20 मिनट का टाइम जो है उसमें थोड़ा सा एयर लगेगा, नॉर्मली एयर सर्कुलेशन रहेगा तो रैशेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एक तो कोशिश करें आप जितना कम से कम यूज़ करें, लेकिन जैसे हमें रात को यूज़ करना पड़ रहा है तो रात को भी बीच में अगर बच्चे ने शुशु पॉटी कुछ कर लिया है, शुशु कर लिया स्पेशली, तो आप रात को एक बार चेंज कर दें उसको, पूरा रात से लेके सुबह तक नहीं रखें। और जब भी आप पहना रहे हैं उससे पहले जो है कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, तो उससे क्या रहता है कि एक लेयर बन जाती है स्किन और डायपर के बीच में, जिससे कि रैशेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, जिन बच्चों को बार बार रैशेस होते रहते हैं, वो लोग जल्स फ्री वाली रैश क्रीम्स आती हैं तो वो रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी ऐसे ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप डायपर कम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा से फ्री टाइम दे रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपके बच्चे को बार बार रैशेस हो रहे हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और क्या है, आप हाइजीन का, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो हाइजीन का रखना है। आप भी साफ़ सुथरे रहना चाहिए, बच्चे का सराउंडिंग एरिया साफ रहना चाहिए। आप जब भी चेंज कर रहे हैं आपके हाथ अच्छे से हैंड वॉश करके करिए। डायपर जो है आपके बच्चे को कौन सा सूट कर रहा है आप वो लीजिए, और अच्छे ब्रांड के ही लीजिए। और उसके अलावा यूजुअली क्या है, अगर आप एक बड़े साइज़ का डायपर यूज़ करेंगे, देख लीजिए अगर उससे लीकेज वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप एक बड़े साइज़ का डायपर यूज़ करिए। तो उससे जो रहता है थोड़ा सा गैप रहता है स्किन और डायपर के बीच में, स्पेशली जब बच्चा खेल रहा है, तो उससे थोड़ा सा रैशेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं टेप डायपर यूज़ कर सकते हैं या इलास्टिक डायपर यूज़ कर सकते हैं। तो टेप्ड डायपर जो है आप उसको थोड़ा सा लूज़ भी रख सकते हैं, तो इलास्टिक डायपर जो रहता है कि हमेशा बच्चे की स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट है, थोड़ा सा टाइट हो सकता है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है बच्चे की स्किन पर हो जाए, तो आप वो सब एक बार अवॉइड कर सकते हैं। तो टेप्ड डायपर थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लूज़ रख के वो भी कर सकते हैं। और अगर इन केस बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन स्पेशली, तो आप ध्यान रखिए कि आप वो टॉवल जो है पूरे बॉडी के लिए यूज़ मत करिए। स्पेशली अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप जो क्लीन एरिया करना है आपको, उसके लिए दूसरा कॉटन क्लॉथ यूज़ करिए। और उसके बाद काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो गए हैं तो क्या हम बच्चे को डायपर पहना सकते हैं, तो उस वक्त आपको डायपर नहीं पहनाना है। उस वक्त आपको कॉटन का क्लॉथ यूज़ करना है, डायपर रैश क्रीम लगानी है। बट डायपर रैश क्रीम से यूजुअली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और उस वक्त जो है आप प्रोबायोटिक दीजिए अगर बच्चा अबव 6 मंथ्स है, और कोशिश करिए कि काफ़ी देर खुला भी रखें, क्योंकि जो एयर जाएगी, एयर सर्कुलेशन होता है, उससे बहुत ही जल्दी डायपर रैश हील हो जाता है। लेकिन अगर 2-3 दिन में हील नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपको डॉक्टर से दिखा लेना है। तो नॉर्मली क्या रहता है, 6 से 8 डायपर जो है लगभग बच्चे को लग जाते हैं एक दिन में। टीवी में जैसे दिखाते हैं 12 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे, वैसा नहीं रहता है। वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली रैशेस होंगे ही। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बच्चे को रैशेस कभी नहीं होंगे या बहुत ही कम चांसेस हैं। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है डायपर फ्री टाइम, और थोड़ा देर में ओपन एरिया रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको।
और हमेशा जब भी आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। फिर उसके बाद आता है कि क्या हमें हर बार जब भी अगर डायपर रैश हो जा रहे हैं तो आपको हमेशा कंसल्ट करना है डॉक्टर से। तो अगर ये सारे कंडीशंस हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, जिसमें है कि अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है, लेस देन 6 वीक्स 8 वीक्स है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना है अगर डायपर रैश हो रहा है। और अगर जो है आपके बच्चे को बार बार रैशेस हो रहे हैं, एक ही मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहा है हर महीने या हर 2-3 महीने में, यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको दिखा लेना है। या फिर अगर वो जो रैशेस हुए हैं वहाँ से कुछ ब्लड आ रहा है या पस आता है तो भी आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। या फिर जो है पूरे बॉडी पर रैशेस हो गए हैं तो वो डेफिनेटली वो डायपर रैश नहीं है, वो कुछ और होगा, या उसके रैशेस के साथ जो है बच्चे को डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो वहाँ पे आपको दिखा लेना चाहिए। या फिर अगर जो है रैशेस की आप क्रीम लगा रहे हैं 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ है तो वो 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो भी आपको दिखा लेना चाहिए, हो सकता है ईस्ट इन्फेक्शन हो। और ईस्ट इन्फेक्शन का जो मैंने पहले बताया है आपको, वैसा कुछ अगर है इनिशियली भी आपको लगता है तो आपको ज़रूर दिखा लेना है। या फिर क्या है, बच्चे को जो है क्रीजेस में, फोल्ड्स में, जो डायपर क्रीजेस रहते हैं वहाँ पे रैशेस हो गए हैं, तो यूजुअली वो कॉमन एरिया नहीं है डायपर रैश का, तो आपको एक बार दिखा लेना है। तो ये सारे आप टिप्स फॉलो करिए तो हो सकता है मे बी आपके बच्चे को डायपर रैश नहीं होंगे। एंड सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करिए, बट एज यूजली कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है, नहीं हो पाता है, तो इट्स ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।